नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए। आज है 29 जुलाई 2019। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर की करंट अफेयर। और आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है, इसका जो फ्रंट पेज है, इस पर जो पहली न्यूज है यह वाली न्यूज, तो इसमें जो कर्नाटका के अध्यक्ष हैं, इनने 14 जो बागी विधायक थे उनको अरोग्य ठहराया है। तो वही सब बात डिस्कस की जा रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल के जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था, उसमें फिर से वही सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसके बाद यह वाला आर्टिकल आप देख सकते हैं, जो नागा रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी बात की जा रही है। तो जो सीएम है वह कह रहा है कि जो बाहर से आकर जो नागालैंड में रह रहे हैं राज्य में, उनको यहाँ पर पहचाना जाएगा। तो काफी शानदार बात इनके द्वारा कही जा रही है कि एक काफी शानदार तरीके से यह चीज होगी। इसके बाद बात की जा रही है जो एयरपोर्ट वाला प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस थी उसको लेकर, कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है यहाँ पर सरकार से। तो जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको कल न्यूज़पेपर में आया था, उसकी बात की जा रही है। इसके बाद यह वाला आर्टिकल नया आया है, अभी बात की जा रही है RCEP, तो जो संस्थान है इसके तहत इसकी मीटिंग होने जा रही है। तो उसमें भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं, जिसके साथ जो हमारा व्यापार है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको यहाँ पर लाभ होगा, यह बताया जा रहा है। तो एक अवसर है इस मीटिंग के थ्रू यहाँ पर एक लाभ अर्जित करने का। तो इसको काफी शानदार तरीके से देखना चाहिए जो हमारे नेता हैं, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर यह जो समझौता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2011 से समथिंग चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है। तो यह फिर से एक अवसर है, तो इस पर यह काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपने एडिटोरियल पेजेस पे चले तो इसमें जो पहली न्यूज आर्टिकल है यह वाला, तो इसमें बात की जा रही आजम खान की। अभी इनने पार्लियामेंट में जो स्पीकर थे उस टाइम पे, तो उनके ऊपर इनने कमेंट किया, तो उस कमेंट को लेकर यह न्यूज में आ चुके हैं। इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है सभी जगह, क्योंकि महिलाओं को लेकर कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं सुना जाता है, और इनके द्वारा वही कुछ गलत यहाँ पर बोला गया है। यह वाला आर्टिकल, साथ ही यह वाला आप ग्राफ देख सकते हैं, दोनों को हम कनेक्ट करके थोड़ा डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट है दोनों ही। इसके बाद यह वाला आर्टिकल है जो इसमें बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए या इसको चालू रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है, जानेंगे इसका आंसर क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। फिर इसके बाद बात की जा रही है कि अगर इंडिया को चलाना है, इंडिया की अर्थव्यवस्था को चलाना है, तो जो फिस्कल मैथ है उसके थ्रू नहीं चलेगा, और भी हमें जो कंसर्न है वह देखने पड़ेंगे, और भी जो इसके पॉइंट हैं उनको समझना पड़ेगा। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर यह जो आर्टिकल है इसमें हिस्ट्री और 5G जो डायलेमा है इनकी बात की जा रही है, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे, हिस्ट्री और 5G। 5G अभी आने वाला है और हिस्ट्री निकल चुका है जो टाइम वह है, तो कैसे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं समझेंगे, काफी इम्पोर्टेंट यह भी आर्टिकल है। इसके बाद यहाँ पर भी इतिहास की बात की जा रही है। अभी हुआ क्या कि जो ट्रम्प हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे कार्टून सेक्शन में, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नए प्रधानमंत्री चुन के आए हैं इंग्लैंड ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, तो उनके जैसे हेयर की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो जो ट्रम्प हैं इनने कमेंट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान ओसाका जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ था तो ओसाका में, तो वहां पर इनने कश्मीर मध्यस्थता पर इनकी मध्यस्थता के लिए मांग की है, इनकी मदद मांगी है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया है, जो कि हमारे जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं उनने कंफर्म कर दिया है। तो उससे लेकर लेकर बात चल रही है इतिहास तक, कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से कैसे चला आ रहा है, तो बाकी सब बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू वॉक एंड टॉक, बातचीत करने का यह टाइम बताया जा रहा है, तो समझेंगे इस आर्टिकल को। इसके बाद यह आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एडिटोरियल को लेटर लिखे जाते हैं, एडिटर को उनके रिप्लाई यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके बाद यह आर्टिकल भी सरोगोसी से रिलेटेड है, परसों भी हमने इसको डिस्कस किया था, सॉरी कल नहीं, तो इसको भी हम थोड़ा रिविजन इस पर कर लेंगे, इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद चलते हैं अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिटेन ने क्या क्या हुआ, यहाँ पर आप पहला थोड़ा मैप देख लें, तो यहाँ पर आपको इंडिया नजर आ रहा होगा, थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो पर्सियन गल्फ, तो यहाँ पर ब्रिटेन का एक जो शिप जा रहा था तो उसको ईरान ने यहाँ पर पकड़ लिया, मतलब इसको सीज कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले ईरान का एक जो
शिप था वह भी सीप किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो ऐसा कुछ चल रहा है इस तरफ से, इनका यह सीज कर रहे हैं, उनका वह सीज कर रहे हैं। तो अब जब ब्रिटेन का सीज किया गया तो ब्रिटेन ने कहा कि हम यहाँ पर फोर्स भेजेंगे। इस वाले आर्टिकल में तो कहा यह जा रहा है कि अगर आप फोर्स भेजोगे तो स्थिति और खराब होगी, क्योंकि हो सकता है युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। और ब्रिटेन के और जो ईरान है इसके द्वारा कंफर्म किया गया है कि बाहर से अगर आप फौज भेजते हो या फोर्स भेजते हो तो स्थिति को और बिगाड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही अमेरिका की फोर्सेस इस बारे एरिया में उथल पुथल मचाए हुए हैं, और आप फिर से बाहरी लोगों को भेजोगे तो स्थिति ऐसे में सुधरेगी नहीं। अच्छा यही है कि बैठ कर बातचीत कर लें, यह इनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद चलते हैं अपने राष्ट्रीय आर्टिकल की तरफ, जो कि है संसद में सेक्सिज्म। तो सेक्सिज्म की बात की जा रही है, कैसे क्या हुआ, आजम खान इनने क्या किया, पसंद का मुकाबला करने के लिए भारत को विधायकों, सॉरी यहाँ पर आप समझ लें, आजम खान ने इनने कमेंट किया था यहाँ पर। तो क्या हुआ, अगर इनका सामना करना है तो भारत की जो विधायिका हैं, इस तरह की चीजें होती हैं महिलाओं के साथ, तो इसके लिए जो महिलाएं हैं संसद में उन्हें और ज्यादा अधिक महिलाओं की जरूरत है, क्योंकि संसद में जो महिलाएं हैं इनकी प्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो इस तरह से पॉइंट रखा जा रहा है। इनके द्वारा ऐसा कुछ किया गया, क्या हुआ, 25 जुलाई को लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पारित किया गया था। विपक्षी आवाजों को शांत करते हुए मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 को जल्दबाजी और बिना जांच के धकेला नहीं जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीजें कर चल रही थी। उसी बीच इनका कमेंट आया जो स्पीकर थे उनके ऊपर, जिसको लेकर यह विवादों में आ गया। और एक तरीके से बताया जा रहा है कि यह महिलाओं की बेइज्जती है, ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आपको यहाँ पर नियम बनाने के लिए रखा गया है, ना कि आप यहाँ पर रखा तो क्या आपको रक्षा करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर भक्षक बनने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अब यह आर्टिकल न्यूज में क्यों आया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो राइटर है इनके द्वारा, कि अगर इस तरह की स्थिति क्यों होती है, किसी के साथ गलत कैसे होता है, क्योंकि वह कमजोर होता है। कैसे कमजोर होता है, कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है एक तो, ठीक है, तो पुरुषों द्वारा यहाँ पर एक तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है। अगर यह संख्या ज्यादा होती तो महिलाएं एक साथ खड़ी होती और यह मुद्दा बहुत ज्यादा व्यापक होता। हालांकि बीजेपी के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट किया गया, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद है उनके द्वारा सपोर्ट किया गया, और बाकी जो महिला मंत्री हैं उनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया। अब जान लेते हैं कि महिलाओं की जो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो महिलाएं प्रेजेंट हैं इसमें सदन में वह कितनी है। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सदस्य हैं, जिनमें सदन की संख्या 14.39% है। तो सिर्फ 78 महिलाएं हैं यहाँ पर और 14% है इनका प्रेजेंटेशन। 2000 से अधिक हो चुकी है, 1991-92 में जो थी सिर्फ 5% हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में बढ़ रही है, हालांकि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। वैश्विक औसत 24.6%, यानी कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो 24.6% हमारी हिस्सेदारी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए कोटा है, तो इंडिया में भी एक महिलाओं को आगे लाने के लिए, देखिए पहले 5% था, 5% से आपको यहाँ पर 14% तक आए हैं। तो उसका कारण यह है कि महिला आरक्षण बिल या संविधान 108वां संशोधन विधेयक लाया, जिससे महिलाओं को संसद में और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें अलग यानी कि रिजर्वेशन करने का यह आया। और यह पारित कब हुआ, मार्च 2010 में पारित हुआ था राज्यसभा से। तो मतलब 33%, यानी कि एक तिहाई सीटें महिलाओं की भी होगी संविधान या इसमें, या तो अपना पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी राज्य की विधानसभा हो, तो यहाँ पर जिसके तहत महिलाएं यहाँ पर निकलकर आगे आई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं हमारी जो है कितने पीछे हैं। आज के समय में अगर हमारे यहाँ पर 24.39% महिलाएं हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में 2019 में, तब भी हम 140 देशों से पीछे हैं। तो ग्राफ आप समझ सकते हैं, रवांडा में सबसे ज्यादा है। अभी परसों शुक्रवार को आया था आर्टिकल, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो रवांडा सबसे आगे है। फिर आप देख सकते हैं इसके बाद कौन है, बॉलिविया है, स्पेन है, क्यूबा है, इसके बाद इंडिया अगर आप देखो तो यहाँ पर है 141वें स्थान पर है 191 नेशन में देशों में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ, आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर वुमेन निकल के आ रही है आगे, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो होना चाहिए था वह नहीं है। हो सकता है अगले 5 साल बाद जो रिप्रेजेंटेशन है काफी हद तक बढ़ जाएगा।
यह हमारा कंप्लीट आर्टिकल थे, दोनों आर्टिकल थे। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है, जो बात की जा रही है यहाँ पर, एक सेकेंड, इतिहास और 5G की बात की जा रही है। तो इसमें दुविधा कैसी है? इंडिया 5G टेक्नोलॉजी चाहता है, लेकिन हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें दूसरों से खरीदनी पड़ती है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, अभी बात की जा रही है कि हम टेक्नोलॉजी हवाई या चीनी जो कंपनियां हैं परवेवर्स, तो इनसे खरीद सकते हैं, इनसे ले सकते हैं हम टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या है कि भारत 5G तकनीकी विकसित करने के लिए देखता है। तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो, हम भी देशों सभी देशों के साथ एक साथ कदम से कदम मिला के चले। तो हुआ ये था कि 1990 के दशक में एक अमेरिकी सुपर कंप्यूटर के लिए खोज सबक का प्रदान बनी। यानी कि 1980 के दशक में हमने सुपर कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी इंडिया लाने की कोशिश की, जिससे हमें एक सबक मिला, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने की दुविधा, 5G संचार बुनियादी ढांचे, तो इन कंपनी के साथ हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, या संयुक्त राज्य के साथ राजनीतिक संबंधों को उबारने के लिए। तो यहाँ पर जो है 1980 के दशक की स्टोरी है, वह आप समझ लें, फिर आपको समझ में आएगा कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो हुआ ये था यहाँ पर कि जापान से हम एक टाइम पे, जब 1980 के दशक की बात है, तो उस टाइम पे कौन थे यहाँ पर, जो राजीव गांधी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, तो नए नए इलेक्टेड हुए थे, तो इनने कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी 5G, यह लाने की कोशिश की। और यह टेक्नोलॉजी हम कहाँ से, जापान से खरीदने वाले थे, थोड़ा आप यहाँ पर समझ लें। हुआ क्या था कि 1984 में यहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव कौन जीत कर, चुनाव में जीते और राजीव गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। तो इनने शुरुआत की 1984 में नई कंप्यूटर नीति की, NCP की, और 1986 की सॉफ्टवेयर निर्यात नीति शामिल थी इनकी। जैसे ही यह नीति हुई, तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया, आप यहाँ पर समझ लें, अमेरिका ने NCP जैसे ही पारित हुआ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन थे, तो इनने भारत को उन गंतव्यों की सूची में डाल दिया, यानी कि भारत जो देश है उसको ऐसी लिस्ट में डाल दिया कि अगर वो कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदता है तो उसे विशेष समीक्षकों की आवश्यकता होगी। यानी कि अमेरिका की कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज यहाँ पर खरीदता है तो विशेष समीक्षा की आवश्यकता इसको पड़ेगी, यानी कि इसकी जांच पड़ताल विशेष रूप से होगी। ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी है यह है, यह खरीदने वाले थे पहले जापान से, जापान से टेक्नोलॉजी खरीदने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर इनके द्वारा यह कहा गया, क्योंकि अमेरिका हमेशा से यही करता आया है, अगर आप अमेरिका से खरीदते हैं तो ठीक है, अगर आप किसी और देश से खरीदेंगे कोई भी चीज, चाहे हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी व्यापार करेंगे, तो आपके ऊपर कोई ना कोई सेंक्शन लगाएगा, आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर यह बिल पारित हुआ, टेक्नोलॉजी खरीदने की बात चल ही रही थी इंडिया में, कि इनने यह वाला एक नियम यहाँ पर बना दिया और इंडिया को इस लिस्ट में रख दिया। अब इंडिया ऐसे में क्या करता, तो जो राजीव गांधी है, इनने 1985 की गर्मियों में इस गतिरोध को तोड़ने के लिए यह अमेरिका Washington DC में एक बहुप्रचारित यात्रा पर गए, इनने यहाँ पर यात्रा की, और आखिरकार क्या हुआ, प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता TCA के परिणाम स्वरूप यहाँ पर वास्तविक कूटनीति की सफलता हुई। यह समझौता हुआ जिसमें कि हमें यहाँ पर छूट तो दी जा रही थी, लेकिन हमारे ऊपर कुछ यहाँ पर एक तरीके से रुकावट भी डाली जा रही थी, हमें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ रहा था। TCA ने प्रौद्योगिकी निर्यात पर नियमों की ढील दी, तो इनने कुछ ढील तो दी लेकिन कहीं ना कहीं अपने हाथ में ही डोर रखी। तो जैसे यहाँ पर यह सब हुआ, अमेरिका ने बिक्री के लिए सवारों को घुसपैठ के सुरक्षा उपायों और प्रमाण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। तो अमेरिका ने एक कहा कि आप यहाँ पर ना तो हथियारों में या फिर लड़ाई में इसका उपयोग करेंगे, आप सिर्फ नागरिक जो उद्देश्य हैं उनमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। साथ ही जापान को भी उसने यही कहा कि अगर आप इसको टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो याद रखें कि इसका गलत उपयोग ना हो, यह इनके द्वारा कहा गया। लेकिन यह तब कहा गया जब अमेरिका की जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, उसी समय सद्दाम हुसैन जो इराक के जो उस टाइम पर लीडर थे, उनके आसपास उनको जो इलेक्ट्रॉनिक जो अपॉर्चुनिटी है जो यह कर रहे थे, जो कि इराक की मिसाइल प्रणाली को बढ़ा रही थी। तो एक तरफ तो आप हमें रोक रहे हैं कि हथियारों में उपयोग ना हो इसका, हमारे पास वह चीज़ आने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप
जो दूसरे यह जो देश हैं उन्हें बेच रहे हैं, जो मिसाइल प्रणाली को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, और साथ ही साथ जो हम इंडिया जो यहाँ पर जापान से खरीदने वाला था उसको आखिरकार किससे, अमेरिका से ही खरीदने पड़े जो सुपर कंप्यूटर है वह है। साथ ही जो पुरानी पुराने कंप्यूटर थे वह हमें मिले, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले जो लेटेस्ट थे वह नहीं मिले। तो एक तरीके से पुराना घिसपिटा माल हमें उनने चिपका दिया कहा जाए तो। इसलिए कहा जा रहा है कि 5G जो गाथा है अलग नहीं है उससे। अगर हम खरीदते हैं तो अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकावट हमें लगा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सेंक्शन लगा रहा है। तो इन सब बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि होता वही है कि हम यहाँ पर इतनी जद्दोजहद करके जाते हैं, नीति बनाते हैं, और आखिरकार हमें अमेरिका का ही यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखने की लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल है, थोड़ा सा आप इसको समझे, बैकग्राउंड के साथ समझ लें। बात की जा रही शिमला समझौता, लाहौर समझौता। तो यह दो समझौते हुए 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुए, ठीक है। विदेश मंत्रालय प्रभावी 4 अगस्त 1972 से, भाषा यह थी, हस्ताक्षर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में हुए थे शिमला, ठीक है। यह इसके बाद लाहौर की बात करें तो 21 फरवरी 1999 में यह हुआ, कारगिल युद्ध के बाद लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। 21 फरवरी 1999, 20 साल पहले हुआ था लगभग। और अभी विजय दिवस भी मनाया जा रहा है, जब हम कारगिल वॉर जीते थे, तो उसके बारे में आप थोड़ा आइडिया रखें। भाषा यह है, मौजूदा तैयारी है। तो अब देखिए, यह हमने यहाँ पर किया, ठीक है, पाकिस्तान वॉर में हार गया, उसके बाद हमने एग्रीमेंट किया, लेकिन कभी भी यह समझौते सही तरीके से नहीं चले, क्योंकि पाकिस्तान है हमेशा कुत्ते की दुम की तरह ही है, कितनी ही सीधी कर लो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इसके बाद सारी हदें तोड़कर जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाहौर गए, वहां पर बस यात्रा की, वहां बस से लाहौर गए, समझौता किया ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई ना हो। हमने यहाँ पर बहुत सारी जमीन जो कारगिल युद्ध था उसमें पाकिस्तान की हमारे कब्जे में आ गई थी, बहुत सारे सैनिक हमारे कब्जे में आ गए थे, जिसको हमने पाकिस्तान को वापस लौटाया। तो एक तरीके से आप देखिए कि इंडिया ने वॉर जीत ली, जमीन मिल गई, इनके सैनिक हमारे कब्जे में थे, सब कुछ इन्हें वापस कर दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी पाकिस्तान क्या करता है, वही उसे चाहिए पूरा कश्मीर ही है, ऐसा करने लगता है। और यह बार बार किसके पास जाता है, अगर आप 99 की बात करें यहाँ कारगिल वॉर की, तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी थी कारगिल के दौरान, क्विंटन की भूमिका, जो अमेरिका के उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, इनकी भूमिका थी, इनने उस टाइम पर सुलह कराई। उस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पर नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, वह इनके पास गए, इनने समझौता के लिए मांग की। तो इनने आकर जो हमारे राष्ट्रपति थे उनसे बात की कि यहाँ पर शांति बनाए रखें, और एक तरीके से इनने आकर यहाँ किया कि हमने जो इनके आर्मी या ऑफिसर्स थे उनको अपने कब्जे में कर रखा था, आर्मी के जवान थे, और हमने जो हमारे कब्जे में उनकी जो जमीन आ गई थी, इनके कारण हमने इनको वापस कर दी कि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आज के समय में हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही खुद अमेरिका के पास जाता है, और इसको इंडिया के पास आने की बजाय ये किसके पास जाता है, अमेरिका के पास जाता है। अगर वही पाकिस्तान इंडिया के पास आ जाए तो समस्या का समाधान यहाँ पर मिल जाए, लेकिन होता क्या है, यह जाता है अमेरिका के पास। अभी हाल ही में यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, इनके पास कौन गए व्हाइट हाउस में, इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वह, तो वहां जाकर यह मुद्दा निकल के आया। और ट्रंप ने वहां पर कमेंट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन जो कि ओसाका जापान में हुआ था, उसमें कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए इनकी मदद मांगी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं गया है हमारे लीडर के द्वारा, कन्फर्म हो चुकी है बात। तो उसके तहत यह आर्टिकल निकल के आता है। तो ट्रंप यही सोच रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर क्विंटन ने मदद की थी, उस तरह से यह भी यहाँ पर मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह कौन बताएगा क्विंटन ने मदद की थी किसकी, पाकिस्तान की, क्योंकि हमने पाकिस्तान की आर्मी और जो जमीन हमारे कब्जे में आ गई थी वह वापस की थी। तो यही बात सामने आती है कि हमने किसकी, सॉरी क्विंटन ने किसकी मदद की, पाकिस्तान की मदद की, यही निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि हम एक मजबूत स्थिति में थे उस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी, तो यहाँ पर मदद किसकी हो रही है। और जैसा कि हमने अभी 2-3 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा किसको होगा अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो यहाँ पर अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान का पुराना ही मित्र है, समय 1950 से ही बात चली आ रही है, सपोर्ट करता आता है यहाँ पर, बहुत सारा इनके द्वारा पैसा दिया जाता है,
और इसको जो अफगानिस्तान में, यहाँ पर अगर आप मैप में देखें, यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस फंसी हुई हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान की सहायता लेता रहता है इस वाले एरिया में शांति बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का ही ज़्यादा फायदा है, ना कि इंडिया का। उस लिए इसलिए यहाँ पर यह आर्टिकल यहाँ पर थोड़ा आया है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो आर्टिकल है उसमें बात की जा रही है सरोगोसी की। तो यहाँ पर यह जो बिल आया है इसमें बात की जा रही है, कुछ ऐसे नियम हैं इस वाले बिल में, विधेयक में, कि यहाँ पर सही नहीं है वह, क्योंकि हम इसको कल परसों शुक्रवार वाला आर्टिकल था जो न्यूज़पेपर था उसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बात है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, तो वह बच्चे नहीं रख सकते हैं, और बच्चे पैदा वही करेंगे जो कि पति पत्नी का अगर कोई करीबी है तो वही यहाँ पर इस तरह से इनके लिए बच्चा पैदा कर सकता है सरोगेसी के थ्रू। और साथ ही यहाँ पर यह नहीं बताया गया है बिल में कि सरोग इनके जो करीबी रिश्तेदार कौन है, तो वह कंफर्म करना चाहिए। तो आपको यह आर्टिकल समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि कल परसों हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस आर्टिकल को, शुक्रवार को, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, वही सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर आए हैं, तो आप इसको थोड़ा रिविजन के रूप में लें। तो बात की जाती है कि करीबी रिश्तेदार कौन होगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं बायसेक्चुअल लोग हैं, जैसे कि दो गे हैं या फिर ये दो लेस्बियंस हैं, वह भी यहाँ पर बच्चा चाहती हैं, तो वह कैसे बच्चा रखेंगी अगर उनके लिए अनुमति ही नहीं दी गई है। और साथ ही यहाँ पर व्यवसाय को रोकने की बात की गई है, चलिए ठीक है, लेकिन जो महिला यहाँ पर बच्चे को गर्भ में रख रही है तो उसकी जो दवाई का खर्चा है, उसकी देख रेख है, उसकी हेल्थ है, उसके लिए यहाँ पर कोई इंसेंटिव तो होना चाहिए। तो इस तरह के प्रावधान नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर इस पर एक तरीके से उंगली उठाई जा रही है इस विधेयक पर। तो यह सभी पॉइंट हैं जो कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, आप वह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, बात की जा रही है राजकोषीय घाटा साथ ही राजस्व घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार, यानी कि देखिए एक तो सरकार के पास टैक्सेस के रूप में आता है राजस्व, ठीक है, राजस्व आता है। अब जितना राजस्व आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, मतलब राजस्व में घाटा हो रहा है। इसके बाद यह जो राजस्व है कहीं खर्च होना चाहिए, तो जितना हम खर्च कर रहे हैं और जितना हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, इसके बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यानी कि हम किसी योजना पर पैसे खर्च कर रहे हैं 100 रुपये और यहाँ पर आमदनी हो रही है 50 रुपये, तो 50 रुपये घाटा हो गया ना यहाँ पर, तो यह घाटा क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा। तो इसको देखिए, अगर हमें यहाँ पर राजकोषीय घाटे के माध्यम से भारत पर शासन करना, तो अगर आप बताएं कि राजकोषीय घाटा हो रहा है और इसके हिसाब से, इसके गणित के हिसाब से चलाएं भारत को, तो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें और भी चीजें देखनी होंगी। अकेले राजकोषीय घाटे में कमी का फोकस आर्थिक प्रबंधन नहीं है, तो अगर हम इसमें फोकस करते हैं तो जो आर्थिक प्रबंधन है वह नहीं है, हमें राजस्व जो घाटा है इसको भी देखना होगा, क्योंकि हमारे पास आमदनी भी तो उतनी होनी चाहिए जितना कि हम खर्च कर रहे हैं, तभी तो हमें जो राजकोषीय घाटा हो रहा है उसको हम ध्यान में दे पाएंगे। तो वही यहाँ पर बात बताई जा रही है कंप्लीटली, कि यहाँ पर तो हमें दोनों पर फोकस कर कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमारा राजस्व घाटा है जो बढ़ता जाएगा, तो हमें क्या करेंगे, हमारी आमदनी कम हो रही है, हमें खर्च ज्यादा करना है, तो एक तो यह आमदनी कम हो रही तो यहाँ घाटा हो रहा है, खर्च कर रहे हैं तो यहाँ घाटा हो रहा है, दोनों घाटे हो रहे हैं ना। इसमें हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उधार लेंगे, जो हमारे पास डॉलर बहुत सारा रिजर्व में है उसमें हमें जो ब्याज है चुकाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यह भी हमारा जाएगा। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जो हमारा राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, दोनों को ध्यान में रखा जाए और दोनों को ही कम से कम करने की बात की जाए। आज के समय में क्या है कि स्थिति बदल रही है हर जगह पर, क्या और तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो व्यापार युद्ध में लगे हुए हैं, यह संभावना है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं कमजोर पड़ती जा रही है, जबकि केवल ये संभावना है, अंततः डॉलर की कमाई पर आपकी उधार योजना को आधार बनाने की आवश्यकता की ओर इशारा कर सकता है। तो देखिए, अगर हम उधार लेंगे तो हमें ब्याज भी देना पड़ेगा इसका, जिसमें हमें डॉलर में यहाँ पर पे करना पड़ता है, तो
हमें दोनों ही पॉलिसियों पर ध्यान देना होगा दोनों ही जगह पर, ना कि एक जगह फोकस कर कर कि यह ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो दोनों जगह देंगे आप तो अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत बनेगी। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल समझ में आ गया होगा उम्मीद है, अगर नहीं आया है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, इसको फिर से भी डिस्कस किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वहां बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक डिजिटल मुद्रा होती है जिसे इंस्क्रिप्शन तकनीकों द्वारा उपयोग मुद्रा की इकाइयों की पीढ़ी को विनिमित करने और निधियों के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो एक डिजिटल करेंसी है, जैसा कि हमारे यहाँ नोट चलते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, सिक्के होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे मोबाइल में है यह पड़े रहेंगे पैसे हमारे अकाउंट में और हम इसके द्वारा पे कर पाएंगे कहीं भी, तो एक डिजिटल रूप में यह चलती है। अब इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या विनिमय इसको चालू रखना चाहिए, तो यह क्वेश्चन उठ के आ रहा है। तो बात करेंगे प्रतिबंध की। तो प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? बात यह है क्रिप्टो करेंसी की जो मुद्दा है, प्रतिबंध सबसे अच्छा जवाब नहीं है। यह है प्रतिबंध अगर लगाते हैं तो सबसे अच्छा जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे फिर यह वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एक मंत्रालय समिति की सिफारिश है कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? जैसे कि आप देखें 2018 में जब यह शुरुआत हो रही थी क्रिप्टो करेंसी की, तो उस टाइम पे काफी न्यूज में आ रहा था, वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली जी, तो उनने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बार बार भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा था कि अगर क्रिप्टो करेंसी चलती है तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान हो सकता है और काफी जोखिम भरा है, और चेतावनी दी थी अगर इसको चलाते हैं तो हमें काफी नुकसान भी हो सकता है, इनके द्वारा यह कहा गया था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि फ्रॉड हो सकता है, काला धन है वह इसके थ्रू बाहर जा सकता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब बातों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए इस जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात कही जाती है। अब देखिए अच्छा जवाब नहीं है वह क्यों? क्योंकि आज के समय में अगर हम किसी चीज को बैन कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, इसलिए हम उसे बंद कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए ताकि हम इसको सुरक्षित तरीके से चालू रख सकें, बड़े नहीं तो छोटे लेवल पर तो रख सकें। अब देखिए जैसे कनाडा हो गया, थाईलैंड हो गया, रूस, जापान, यहाँ पर यह विनिमय के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसमें पैसे को बाहर भेजा जाता है, पैसे को लेन देन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले आते हैं, आतंकवादी या गतिविधियां होती हैं, तो इसके लिए रोकथाम के लिए कानून भी बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर इसके दुष्परिणाम होते हैं तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर कानून वगैरह भी बनाए गए हैं। तो कुछ इस तरह के उपाय करके हम भी इसको चालू रख सकते हैं। तो यह है यहाँ पर राइटर का मत है, जो हमारे लेखक हैं उनका यह मत है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं और ऐसे ही हम कानून बनाकर इसको रोक सकते हैं गलत कामों को। तो इस तरह की यहाँ पर बात इनके द्वारा कही जा रही है। यह हमारा कंप्लीट डिस्कशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।